पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। टीका में देखिए, ननु तत्त्वमस्यादि वाक्यम अखंडार्थम कथम बोधयति। तत्त्वमसी आदि जो वाक्य है, अखंडार्थ जो है अपरिच्छिन्न अर्थ का, अखंड अर्थ का बोध कैसे कराते हैं, बोध कैसे कराते है? मतलब जहद लक्षण या वा कि जहद लक्षण या आहोषित जहद अजहद लक्षण या जहद लक्षणा के द्वारा कि अजहद लक्षणा के द्वारा अथवा जहद अजहद लक्षणा है ना। जहत जहत मतलब छोड़ता हुआ, स्वार्थ को छोड़ के परार्थ का बोध करा दे तो जहद लक्षण, सक्यार्थ को छोड़ के लक्ष्यार्थ। तो कोई जो है सक्यार्थ को भी नहीं छोड़ करके लक्ष्यार्थ अन्य को भी ग्रहण कर ले अजहद लक्षण, और एक भाग को छोड़ दे, एक भाग को पकड़ ले, एक भाग को ग्रहण करे, वह अजहद अजहद लक्षण। यदि त्रिधा विकल्प है तो तीन प्रकार से जो है ये विकल्प हो रहा है कि कैसे बोध कराता है, जहद लक्षणा से कि अजहद लक्षण अजहद लक्षणा से अथवा जहद अजहद लक्षणा से। आद्य दूषणा मा, अगर जहद लक्षणा मानेंगे तो दोष है कि जहद लक्षणा में तो पूरे के पूरे अर्थ को ही छोड़ देते हैं, सक्यार्थ को ही छोड़ देते हैं। हाँ सक्यार्थ अर्थ मतलब सक्यार्थ को छोड़ देते हैं। देखिए वही बता रहे, अत्र गंगायाम घोषा प्रतिवसति, गंगा में घोष वर्तमान है, झोपड़ी वर्तमान है। इति वाक्यवत जहद लक्षणापि न संगच्छति, उस वाक्य के समान उस वाक्य में तो क्या करते हैं, गंगा पद का अर्थ है प्रवाह, जल प्रवाह। जल प्रवाह मतलब वही भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह हो गंगा, भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह वो गंगा है। तो गंगा का अर्थ हो गया वो जल, जल प्रवाह एक विशिष्ट जल प्रवाह। एक गंगा पद का क्या हो गया वाच्यार्थ, उस वाच्यार्थ प्रवाह में घोष रूपी घोष बन सकता है, घोष नहीं हो सकता, प्रवाह में झोपड़ी नहीं बना सकते, प्रवाह के ऊपर प्रवाह में झोपड़ी नहीं रहती। इसलिए तो जैसे वहां पे गंगा पद का, क्योंकि प्रवाह में घोष नहीं हो सकता, झोपड़ी नहीं हो सकती, इसलिए उसको प्रवाह रूपी सक्यार्थ को छोड़ करके प्रवाह संबंधी है कौन, तीर। प्रवाह का संबंध, प्रवाह का कौन सा संबंध है तीर में, सामीप्य आदि संबंध, सामीप्य संबंध, प्रवाह के समीप में ही है। जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हाँ तो बोले वो वही रहता है, उसे बिल्ड उधर, वो बिल्डिंग उधर ही है, वो मतलब उसके पास में है ना, उसके पास में उधर उधर ही वो बिल्डिंग है ना, उधर ही है, उधर ही वो रहता है, मतलब उसके पास में ही रहता है। ऐसा पास में बताने के लिए कह देते हैं वही उधर ही रहता है। तो मतलब इसी प्रकार यहाँ गंगा पद का सक्य है प्रवाह, उसका संबंधी है तीर, उस तीर में घोष है, ये जहद लक्षणा इसको माना जाता है। बोले ऐसा जो जहद लक्षणा है उसके समान जहद लक्षणा भी न संगच्छत, अत्र अत्र यानी तत्त्वमसी आदि वाक्य, ये जहद लक्षणा भी संभव नहीं है। देखो टीका में दे दिए, अत्र तत्त्वमसी इति वाक्ये जहद लक्षणा न संगच्छते इति अन्वय, तत्त्वमसी इस वाक्य में जहद लक्षणा संगत नहीं होती है, समीचीन नहीं हो पाएगी, ये अन्वय।
तदेव दर्शयितुं जहद लक्षणायां या उदाहरणम तावदा है। उसी को दिखाने के लिए जहद लक्षणा यहाँ घटेगा नहीं, तो सबसे पहले जहद लक्षणा का उदाहरण दे रहे कि गंगायाम घोष प्रतिवसति, गंगा में घोष है। देखो मानांतर विरोधे तो मुख्यार्थस्य परिग्रहे, मुख्यार्थे ना बिना भूते प्रवृत्तिर लक्षणेष्यति। ये वाक्य वृत्ति का श्लोक है। वाक्य वृत्ति भी एक छोटा सा ग्रंथ है, 40-50 श्लोक है उसमें, 50 के आसपास होगा, 50-60 है ना। वाक्य वृत्ति ग्रंथ तो इधर होगा ना, ये भी बहुत इसका श्लोक आता है। हाँ, इसके भी टीका है मेरे पास है इधर, चलो इसको भी चला देंगे एक बार, छोटा ग्रंथ है, ज़्यादा समय तो लगेगा नहीं, इसको भी एक बार चलाया जाए। तो वाक्य वृत्ति मानांतर विरोधे तू, अन्य प्रमाण का विरोध होने पर मुख्यार्थ से अपरिग्रह, तो मुख्यार्थ का परिग्रह नहीं करोगे भाई, जो है गंगा प्रवाह में तो घोष हो नहीं सकता है, इसलिए मुख्यार्थ का परिग्रह नहीं करने पर मुख्यार्थे न बिना भूते, मुख्यार्थ के अबिना भूत है, मुख्यार्थ के साथ जिसका संबंध अवश्यम भावी है उसी अर्थ में जो शब्द की प्रवृत्ति हो जाए, शब्द का ग्रहण हो जाए, शब्द के अर्थ रूप से ग्रहण हो जाए, यही है लक्षणा। इति वचनात् गंगायाम घोष वसना संभवात्, गंगा में घोष का वसन होना, घोष का निवास बन नहीं सकता, झोपड़ी नहीं हो सकती गंगा में, इसलिए गंगायाम घोष इति वाक्य से मुख्यार्थ विरोधे, मुख्य अर्थ तो नहीं हो सकता, जल प्रवाह में तो घोष नहीं हो सकता, इसलिए जल प्रवाह के अभी कोई ज़्यादा बाढ़ होड़ आ जाए तो आदमी को भी वहाँ से हटा देते हैं, जैसे आजकल अभी वो तो बता तो रहे लेकिन पानी है नहीं, तो मुख्यार्थ विरोधे ये तो गंगायाम घोषयति वाक्य से मुख्यार्थ विरोधे सती, मुख्यार्थम परित्यज्य, मुख्यार्थ को छोड़ करके लक्षणया वृत्तिया तत्सम्बन्धिनी तीरे, लक्षणा वृत्ति से, लक्षणा क्या है, शक्यार्थ संबंध, मुख्यार्थ के जो है अविना भूत अर्थ है जो संबंधी है, मुख्यार्थ है तो अवश्यम भावी रूप से है तीर, प्रवाह है तो बगल में तीर भी है, इसलिए अवश्यम भावी जो अर्थ है उसके संबंधी अर्थ है, उसी में तीर संबंधिनी तीरे घोषावस्थान प्रतिपादना, घोष की अवस्थिति का प्रतिपादन कर देना, प्रतिपादन होने से तत्र जहत लक्षणा अंगीकारो युज्यते, गंगायाम घोष में जहत लक्षणा का अंगीकार तो हो जाएगा। इत्याह तत्र तु, देखो ये बता रहे तत्र तु, तत्र यानी गंगायाम घोष, इस उदाहरण में गंगा घोषयोर आधे आधार आधे भाव लक्षण से वाक्यार्थस्य अशेषतो विरुद्धत्वात्, गंगा घो और घोष, गंगा का यानी जल प्रवाह और घोष का झोपड़ी, तो गंगा यानी जल प्रवाह आधार है, घोपड़ झोपड़ी उसमें आधे है, आधार आधे ऐसा बन नहीं सकता है भाई, जहाँ पे जो वस्तु रहे वो आधार होता है और जो वस्तु आ रह रहे उसे आधे कहते हैं, जैसे कुर्सी के ऊपर टेबल के ऊपर पुस्तक है तो पुस्तक हो गया आधे और टेबल हो गया आधार, ये जो आधार आधे भाव संबंध है गंगा और घोष का वाक्यार्थ, जो यही वाक्यार्थ है ये अशेषतो विरुद्धत्वात्, पूरी तरह से विरुद्ध है, हो नहीं सकता है, इसलिए वाक्यार्थम अशेषतः परित्यज्य, वाक्यार्थ को पूरी तरह से छोड़ करके, अच्छा वाच्यार्थ न वाच्यार्थम, वही वाक्यार्थ मतलब वाच्यार्थ को पूरी तरह से छोड़ करके तत्सम्बन्धी तीर लक्षणाया युक्तत्वात्, वाच्यार्थ संबंधी तीर, तीर में लक्षणा करना युक्त है, संगत है, इसलिए जहत लक्षणा संगत क्षते, उदाहरण में तो जहत लक्षणा घट जाएगी। देखो टीका में आधार आधे भाव लक्षणम सर्वथा परित्यज्य, गंगायाम घोष यहाँ पे आधार आधे भाव लक्षण को, संबंध रूपी लक्षण को पूरी तरह से छोड़ करके, लक्षण संबंध को पूरी तरह से छोड़ करके वहाँ पे
वो वाच्यार्थ संबंधी तीर में लक्षणा करना युक्त है, वो उदाहरण में युक्त है। देखिए टीका में, तत्वमसीति वाक्य प्राक प्रतिपादम प्रतिज्ञातम जहर लक्षण संभवम आविष्करोति। तत्वमसी इस वाक्य में प्राक प्रतिज्ञातम, पूर्व में जो प्रतिज्ञा हो की गई है, क्या प्रतिज्ञा की गई है? जहर लक्षण संभवम, जहर लक्षण संभव नहीं है, यह जो तत्वमसी इस वाक्य में प्रतिज्ञात है, प्रतिज्ञा की गई है, उसका आविष्करोति यानी प्रकटीकरोति, प्रकट कर रहे हैं। अत्र तु देख लीजिए, अत्र तु परोक्षा परोक्ष चैतन्य एकत्व लक्षण से वाक्यार्थस्य भागमात्र विरोधात्। यहाँ पे तो यानी तत्वमसी इस वाक्य में तो तत्पद का अर्थ है परोक्ष जो चैतन्य है ईश्वर, कहीं दूर बैठा हुआ ऐसा कहेगा ना, वो ऊपर वाला देख रहा है। कोई भी आदमी कुछ समस्या होगी, बोले क्या बात क्यों है मुझे परेशान, ऊपर वाला देख रहा है, यानी कुछ लग रहा है कहीं दूर बैठा हुआ है। तो तत्पद का अर्थ हो गया परोक्ष, और त्वम पद का अर्थ है अपरोक्ष चैतन्य जो स्वयं है। तो तत् परोक्ष अपरोक्ष चैतन्य इन दोनों का एकत्व लक्षण से वाक्यार्थ से, एकत्व रूपी जो वाक्यार्थ है या पूरी तरह से क्या हर एक भाग में विरोध है क्या? भाग मात्रे औपाधिक धर्म मात्र में भी विरुद्ध है, चैतन्य अंश में विरुद्ध नहीं है, क्योंकि चैतन्य अंश तो दोनों में एक ही है। इसलिए वाक्यार्थ से भाग मात्रे विरोधात्, एक भाग मात्र में ही उन चैतन्य की एकता रूपी वाक्यार्थ का विरोध होने से भागांतरम अविपरित्यज्य, भागांतर को भी छोड़ के चैतन्य अंश को भी छोड़ करके अन्य लक्षणा या अयुक्तत्वात्, अन्य संबंधी में लक्षण कर देना पूरी तरह से जो है औपाधिक विरुद्ध अंश को भी छोड़ दो और चैतन्य अंश को भी छोड़ करके कहीं दूसरी जगह लक्षणा कर दो, या युक्त है क्या? नहीं। इसलिए जहर लक्षणा न संगच्छते, जहर लक्षणा ठीक नहीं है, केवल विरुद्ध अंश। भाई क्या है जहर लक्षण में, तो पूरे को छोड़ना पड़ेगा ना, पूरा छोड़ना पड़ेगा, तो विरुद्ध अंश को भी छोड़ो, अविरुद्ध अंश को भी छोड़ो, छोड़ करके कहीं दूसरी में लक्षण, अन्य किसी संबंधी में लक्षण कर दो, ईश्वर संबंधी माया माया में लक्षण कर दो, अथवा किसी अन्य में लक्षण कर दो, ये तो विरुद्ध है, पूरी तरह से विरुद्ध है, इसे युक्त नहीं है, इसलिए जहर लक्षणा तो हो नहीं सकती। टीका में देखिए, तू शब्द पूर्वास्माद वैषम्यम द्योतयति, पूर्व से वैषम्य, पूर्व मतलब जो दृष्टांत में तो घटा दिए, उससे विषमता दिखा रहे कि दार्ष्टान्तिक तत्वमसी में नहीं घट पाएगा, इसको द्योतित कर रहे। तत्वमसी इति वाक्य, तत्वमसी इस वाक्य में परोक्षा परोक्ष चैतन्य एकत्व लक्षण से वाक्यार्थस्य, परोक्ष और अपरोक्ष चैतन्य जो है, परोक्ष चैतन्य ईश्वर, अपरोक्ष चैतन्य जीव, इन दोनों की एकता रूपी जो वाक्यार्थ है, इसका विरोधाभावात। तो यहाँ पे इसलिए ऐसा संभव नहीं है कि भाग मात्र में विरोध होने से चैतन्य वही करे। तत्वमसीति वाक्य परोक्षा परोक्ष चैतन्य एकत्व लक्षण से वाक्यार्थ से विरोधाभावात्, परोक्षत्वा परोक्षत्व प्रतिपादकत्व अंश से विरोधात्, परोक्षत्व और अपरोक्षत्व प्रतिपादकत्व अंश में विरोध है ना, परोक्ष अपरोक्ष चैतन्य एकत्व एकत्व लक्षण वाक्यार्थ से विरोधाभावत। अच्छा, परोक्षा परोक्ष चैतन्य एकत्व लक्षण लक्षण से वाक्यार्थ से विरोधाभावत, मतलब क्या है कि जो दोनों चैतन्य है ना, उस चैतन्य अंश में विरोध नहीं है, केवल परोक्षत्व अपरोक्षत्व प्रतिपादकत्व अंश में विरोध है। इसलिए चैतन्य एकत्व विरोधाभावत, चैतन्य एकत्व अंश में विरोध है क्या? चैतन्य की एकता में विरोध नहीं है, वो केवल परोक्षत्व अपरोक्षत्व अंश में विरोध है। इसलिए गंगा घोषादिवत सर्वाक घोषादि वाक्यवत सर्वात्मना मुख्यार्थ परित्यागा संभवात, गंगायाम घोषा जैसे इस वाक्य का पूरी तरह से मुख्यार्थ को छोड़ दिए, ऐसा तत्वमसी इस वाक्य में पूरी तरह से मुख्यार्थ का परित्याग संभव नहीं है।
जहर लक्षणा न संभवति, जहर लक्षणा तत्वमसि इस वाक्य में न संगच्छति, न संभवत। तत्र हेतु मैं इसमें हेतु भी दिखा दे कि भागांतरम अपि परित्यज्य, जो अविरुद्ध अन्य भाग है उसको भी छोड़ करके संबंधी की लक्षणा करना यह युक्त नहीं है। अविरुद्ध अंश को तो लिया जाता है, ये दिखा दी। देखो ये टीका में दे रहे हैं, विरुद्धयो परोक्षत्वा परोक्षत्वयोर एकत्वा संभवेन, जो परोक्षत्व और अपरोक्षत्व अंश है दोनों विरुद्ध है, इन दोनों में एकता तो संभव नहीं है, इसलिए तत्परित्यागे भी चैतन्य भाग से एकत्व विरोधाभाव, इसलिए उनका परित्याग करने पर भी दोनों परोक्षत्व अपरोक्षत्व का एकत्व संभव नहीं है, तो परोक्षत्व अपरोक्षत्व का परित्याग करने पर भी चैतन्य भाग से एकत्व विरोधाभाव, चैतन्य भाग की एकता में कोई विरोध नहीं है, इसलिए त्यागो न युज्यते, है ना, उस चैतन्य भाग का त्याग युक्त नहीं है। इत्यर्थ। अब यहां शंका कर रहे हैं, ननु यथा गंगायाम घोष प्रतिवसत इति वाक्य, गंगा में घोष प्रतिवसत वर्तमान है, गंगा में घोष है, झोपड़ी है, घोष का अर्थ बस्ती भी होता है, अहिरों की बस्ती अथवा झोपड़ी, आभिर पल्ली है ना, आभिर पल्ली अर्थ करते, आभिर एक जाति है तो उनका जो बस्ती है वो साथ में रहते हैं, तो कई झोपड़ियां हम ले लीजिए, झोपड़ी एक एक नहीं कई ले लो, तो मतलब वो घोष मतलब वही झोपड़ी ही लिया जाएगा, वो बस्ती जो जो उनकी बस्ती रहती है। तो यथा गंगायाम घोषाय इति प्रतिवसत इति वाक्य, गंगा पदम प्रवाह लक्षणम स्वार्थम परित्यज्य, गंगा पद प्रवाह रूपी स्वार्थ को छोड़ करके स्वसंबंधी तीर पदार्थम लक्षयति, प्रवाह का संबंधी कौन है, तीर, तीर पदार्थ को लक्षित करता है। तथा तत्त्वमसि इति वाक्य, इसी प्रकार तत्त्वमसि इस वाक्य में तत्पदम स्वार्थम परोक्षत्वादि विशिष्टम परित्यज्य, तत्पद जो है स्वार्थ परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य को छोड़ करके जीव चैतन्यम लक्षयतु, जीव चैतन्य को लक्षित कर दे, स्वार्थ तत्पद जो है जीव को बोधित कराए, अथवा त्वम पद ईश्वर को बोधित करा दे, क्या विरोध है, तत्पद तत्पद जो है ईश्वर का बोध कराने वाला है, उसको कह दो जीव का बोध करा दे, तत्पद से जीव आ जाए, अथवा त्वम पद से ईश्वर आ जाए, क्या विरोध है, पूरी तरह से अर्थ छोड़ना है ना, पूरी तरह से जीव को छोड़ के ईश्वर का, त्वम पद जीव को छोड़ के ईश्वर का बोध करा दे, और तत्पद जो है ईश्वर को छोड़ करके जीव का बोध करा दे, एक ही हो गया, ऐसे हो जाएगा, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो तत्पदम स्वार्थम परोक्षत्वादि विशिष्टम परित्यज्य जीव चैतन्यम लक्षयतु, एवं त्वम पदम अपि स्वार्थम किंचित ज्ञत्वादि विशिष्टम परित्यज्य, स्वार्थ जो किंचित ज्ञत्वादि विशिष्ट है उसको छोड़ करके ईश्वर चैतन्यम वा लक्षयतु, ईश्वर चैतन्य को लक्षित कर दे, तस्मात् जहर लक्षणायो भवत्, इसलिए जहर लक्षणाय हो जाए, जीव वाचक शब्द ईश्वर का बोध करा दे, ईश्वर वाचक शब्द जीव का बोध करा दे, तो जहर लक्षणा हो तो गई, अब क्या चाहिए, इसलिए संतोष कर लिया करो। हाँ, आप लोग वैसे ही संतोषी हो तो संतोष कर लो, इति आशंका, इसी आशंका का उत्थापन करके सिद्धांति निराकरोति, सिद्धांति निराकरण कर रहा नहीं, बोले ऐसे यहाँ कोई संतोष वाली बात नहीं, ना च गंगा पदम स्वार्थ परित्यागे न तीर पदार्थम यथा लक्षयति, गंगा पद जैसे स्वार्थ को छोड़ करके, प्रवाह को छोड़ करके तीर पदार्थ को जैसे लक्षित करता है, तथा तत्पदम त्वम पदम वा स्वार्थ परित्यागे न त्वम पदार्थम, देखो क्रम से लेना, तत्पद जो है स्वार्थ का परित्याग करके, वाचार्थ का परित्याग करके त्वम पदार्थ को लक्षित करे, और त्वम पदम स्वार्थ का परित्याग करके तत्पदार्थ को लक्षित करे, अतः कुतो जहत लक्षणा न संगच्छे, तो जहत लक्षणा कैसे संगत नहीं है, है ना, जहत लक्षणा हो जाएगी, इति सिद्धांति कहेगा न च वाच्यम, ऐसा भी मत कहो, इति न च वाच्यम,
क्यों? क्योंकि तत्र तीर पदा श्रवणे न तदर्था प्रतीतो लक्षणया तत्प्रतीत्यपेक्षायाम। बोले देखो वहां तो तीर पद सुना ही नहीं गया है, तो तीर पद का श्रवण नहीं होने से उसके अर्थ की प्रतीति नहीं हो रही है, इसलिए लक्षणा के द्वारा प्रतीति की अपेक्षा है। प्रत्यक्षा अपेक्षा होने पर भी यहां पे तत्पद और त्वमपद दोनों ही सुने गए हैं ना, इसलिए उनके अर्थ की प्रतीति नहीं है। लक्षणा से अर्थ की प्रतीति होगी ऐसी अपेक्षा नहीं है। अपेक्षायामपि तत्त्वं पदयो श्रूयमाणत्वेन, यहाँ पे तो तत्पद और त्वमपद दोनों सुने गए हैं, इसलिए तदर्थ प्रतीतो दोनों के अर्थ की भी प्रतीति हो गई, इसलिए लक्षणया पुनरन्यतर पदेन अन्यतर पदार्थ प्रतीति अपेक्षा भवत्। लक्षणा के द्वारा जीव वाचक पद ईश्वर का बोध कराए, ईश्वर वाचक पद जीव का बोध कराए, ऐसी कोई अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि तो स्वयं साक्षात जब शब्द सुना गया है, साक्षात शब्द सुना गया उसको अर्थ छोड़ करके इधर उधर घुमा फिरा करके दुनिया भर का ये संबंध बताओ वो संबंध बताओ। हाँ, जीव भी ईश्वर हो सकता है, अपने करण ग्राम का स्वामी है, ईश्वर भी जीव ही है, ऐसे कह दो, क्योंकि वो भी माया विशिष्ट है, उपाधि वाला है, ऐसे कि दुनिया भर इधर उधर घुमा फिरा करके फिर लाओ, इतना करने क्या हो सकता है। अर्थ तो जब साक्षात अपने अपने शब्दों से वो अर्थ आ गया, तो लक्षणा से उस अर्थ की प्रतीति की अपेक्षा नहीं है, इसलिए वो नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे कुल मिला करके जहत लक्षणा संभव नहीं है। टीका में देख लीजिए, निराकरण प्रकारो प्रकारमेव आह, निराकरण प्रकार को ही दिखाच्छति, ठीक है, निराकरण प्रकारम एव आह तत्र श्रुत वाक्यर्थ मुख्यार्थ विरोधे। देखो लक्षणा क्या है, श्रुत वाक्य का मुख्यार्थ के क्या विरोध होने पर, श्रुत वाक्य के मुख्यार्थ का विरोध होने पर मुख्यार्थ संबंधिनी अश्रुत पदार्थे लक्षणा, मुख्यार्थ का संबंधी जो अश्रुत पदार्थ, जैसे वहां तीर श्रुत पदार्थ नहीं है, उस पदार्थ में लक्षणा, उस पदार्थ में लक्षणा होती है। इति सर्वजन सिद्धम, ऐसा सभी लोगों के द्वारा सिद्ध है, सभी वादी लोग मानते हैं, नैयायिक भी मानते हैं, वेदांती भी मानेंगे, मीमांसक भी मानेंगे। तथा च गंगायाम घोषयित इत्यत्र श्रुत वाक्यार्थ से गंगा घोषयोर, गंगायाम घोषय, यहाँ पे जो श्रुत वाक्यार्थ है गंगा और घोष का आधार आधेय भाव संबंध से विरोधे सति, आधार आधेय भाव संबंध का विरोध होने पर श्रूयमाणम गंगा पदम स्वार्थ परित्यागेन, श्रूयमाण जो गंगा पद है स्वार्थ का परित्याग करके तीर पदार्थम लक्षयति, तीर पदार्थ को क्या करेगा, लक्षित कर देगा। इति युक्तम, ते युक्त है गंगा पदार्थ से तीर पदार्थ प्रतीति सापेक्षत्वात्, लक्षित करेगा तीर पदार्थ को गंगा पद, वो तो युक्त है क्योंकि गंगा पदार्थ को तीर पदार्थ प्रतीति की अपेक्षा है, तीर पदार्थ की प्रतीति सापेक्ष है, क्योंकि तभी आधार आधे भाव बनेगा ना, है ना। विरोध होने पर गंगा पद स्वार्थ का परित्याग कर तीर पदार्थ को लक्षित करेगा, इसलिए गंगा पदार्थ तीर पदार्थ प्रतीति सापेक्ष है, प्रतीति की अपेक्षा वाला है, ऐसा तो युक्त है। यह तो श्रूयमाण तत्त्वम पदयोर, किंतु यहाँ जो श्रूयमाण तत्पद और त्वमपद ये दोनों ही मुख्यतया एवं तदर्थ सर्वज्ञत्व किंचित ज्ञत्व आदि विशिष्ट प्रतीतम, तो मुख्य रूप से ही उनका अर्थ सर्वज्ञत्व विशिष्ट किंचित ज्ञत्व विशिष्ट, इन विशिष्ट अर्थ की प्रतीतो सत्याम प्रतीति से होने पर भी लक्षणया तत्पदेन त्वम पदार्थ प्रतीत्यपेक्षा भावत, लक्षणावृत्ति से तत्पद के द्वारा त्वम पदार्थ की प्रतीति की अपेक्षा है नहीं है, और त्वम पदेन तत्पदार्थ प्रतीति अपेक्षा भावच, त्वम पद के द्वारा भी तत्पदार्थ की प्रतीति की अपेक्षा नहीं है, इसलिए मुख्यार्थे संभवति संभवति। तो जब मुख्यार्थ संभव है, क्योंकि उनके जो है मुख्यार्थ तो अपने पदों से ही आ गए, तो जब मुख्यार्थ संभव है तो लक्षणाया अन्याय्यत्वात्, जहाँ मुख्यार्थ संभव है वहां लक्षणा नहीं मानी जाती। गा माने, अब गो सामने खड़ी है, अनेन क्रिया में अन्वय हो सकता है, तो गो का अर्थ कुछ दूसरा लोगे, भाई मुख्यार्थ जहाँ संभव है
वहां कोई दूसरी जगह लक्षणा नहीं की जाती। मुख्यार्थे संभवति लक्षणा या अन्यायत्वात्, इस लक्षणा मानना युक्ति संगत नहीं है, अन्याय है। न्याय कैसे बनेगा? धर्म पथ्यर्थ न्यायाद अनपेते सूत्र, न्यायाद अनपेतम इति न्यायम, न्याय यानी युक्ति को नहीं छोड़ता हुआ, युक्ति संगत। और अन्याय कह दिए तो मतलब युक्ति को छोड़ दिया। मुख्यार्थ संभव है तो लक्षणा मानना युक्ति संगत नहीं है, इसलिए जहर लक्षणा भी न संभवती, जहर लक्षणा भी यहाँ संभव नहीं है, पाला वाला खंडन हो गया। ये दूसरा, पहले मूल में देखिए, अत्र सोणो धावती इति वाक्यवत जहर लक्षण, अजहर लक्षणा भी न संभवत। बोले फिर अच्छा ऐसा करो, अजहर लक्षणा मान लो, अब ज्यादा इधर उधर नहीं करना, आंख बंद करके मान लो, तो इतना चर्चा तो जहर लक्षणा में ही कर दिए है, इसलिए ज्यादा कोई जो है कुछ वो ज्यादा वो मत करो, आंख बंद करके मान लो। तो बोल रहे आंख बंद करके नहीं मान सकते, और भी आगे भी तो एक है, हाँ, इसलिए यहाँ सोणो धावती मतलब लाल, लाल रंग दौड़ता है, लाल वो देखो लाल दौड़ रहा है, लाल मतलब लाल रंग वाला दौड़ेगा ना, रंग का रूप जो है गुण है वो मूर्त पदार्थ है क्या? क्रिया उसमें क्रिया हो सकती है? गुण में थोड़ी क्रिया होती है, द्रव्य में क्रिया होती है। तो सोणो धावती, यहाँ पे सोण का मतलब लाल रंग, लाल दौड़ रहा है, लाल मतलब लाल रंग का घोड़ा दौड़ रहा है, तो सोणो धावती तो वहां पे लाल रंग से लाल रंग वाले घोड़े को लिया जाएगा, लाल रंग को नहीं छोड़ करके लाल रंग से रक्त वर्ण से विशिष्ट अस्वादी को लिया जाएगा। तो सोणो धावती थी वाक्यवत, अजहर लक्षणा भी न संभवत, अजहर लक्षणा भी संभव नहीं है। ठीक है, मैं देख लीजिए, अत्र तत्वमसीति वाक्ये अजहर लक्षणापि न संभवत इति अन्वय, अजहर लक्षणा भी संभव नहीं है। बोले कुत इत्यतः, कुत क्यों इत्यतः, ऐसी अपेक्षा होने पर कह रहे तत्र सोण, सोण गुण, देखिए तत्र मूल में, तत्र सोण गुण गमन, गमन लक्षण से वाक्यार्थ से विरुद्धत्वात्, सोण गुण यानी लाल रूप, लाल रंग दौड़ रहा है, लाल रंग थोड़ी दौड़ता है, सोण गुण का गमन रूपी वाक्यार्थ विरुद्ध है, इसलिए तद अपरित्यागेन, इसलिए सोण गुण को नहीं छोड़ करके तद आश्रय अस्वादी लक्षण है, सोण गुण लाल रंग का आश्रय हो गया, अश्व घोड़ा, लाल रंग का घोड़ा, उस अस्वादी में लक्षणा के द्वारा तद विरोध परिहार संभवत, वो विरोध का परिहार हो सकता है, क्योंकि लाल रंग नहीं दौड़ सकता, घोड़ा तो दौड़ सकता है, लाल रंग का घोड़ा तो दौड़ सकता है कि नहीं, इसलिए रक्त रूप का स्वर्ण वर्ण का आश्रय अस्वादी, उस अस्वादी में लक्षणा के द्वारा उस विरोध का परिहार संभवात, अजहत लक्षणा संभवती, अजहत लक्षणा वहां पे स्वर्णो धावती इस उदाहरण में तो संभव है, लेकिन तत्वमसी वाक्य में नहीं होगा, दिखाएंगे। टीका में देख लीजिए, तत्र सोणो धावती इत्यादि वाक्य, इस वाक्य में सोण गुण से गमना संभवेन, सोण गुण का गमन तो संभव नहीं है, इसलिए वाक्यस्य मुख्यार्थ विरोधे सति, इसलिए उस वाक्य का मुख्यार्थ का मुख्यार्थ विरोध होने पर मुख्यार्थ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि लाल रंग दौड़ नहीं सकता, इसलिए श्रूयमाण सोण पद पदम स्वार्था परित्यागेन, श्रूयमाण जो सोण पद है स्वार्थ यानी रक्त रूप का परित्याग नहीं करके स्व आश्रयम अस्वादिकम लक्ष्यति, रक्त रूप का आश्रय होगा घोड़ा आदि, तो घोड़ा लेंगे तो क्या घोड़े में रूप तो रहेगा ना, इसलिए रूप रूप को तो छोड़ना नहीं है, रूप का आश्रय घोड़े को ले लेंगे, यानी रूप विशिष्ट घोड़ा वह दौड़ता है, इस तरह से सोण का अर्थ हो गया लाल रक्त रूप वाला घोड़ा, ऐसा अर्थ ले लेंगे। कौन सी लक्षणा से? अजहर लक्षणा से, स्वार्थ को नहीं छोड़ करके भी परार्थ को ले लिया, दूसरे अर्थ को ले लिया, लेकिन यहां उदाहरण में नहीं संभव है। अत्र तु तत्वमस्यादि वाक्य, किंतु यहां जो तत्वमसी आदि वाक्य है, वाक्य है यहां पर संभव नहीं होगा। टीका में पहले देख लीजिए, अत्र तु परोक्षत्वा परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य एकत्वस्य,
यहाँ पे इस तत्वमसी इसी वाक्य में परोक्षत्व और अपरोक्षत्व आदि से जो विशिष्ट चैतन्य है, इन दोनों की एकता, एकता रूपी वाक्यार्थ है, वाक्यार्थ से विरुद्धत्वात्, यह वाक्यार्थ विरुद्ध है, इसलिए तदा परित्यागेन, उसका परित्याग नहीं करके अपरोक्षत्व अपरोक्षत्व आदि विशिष्ट चैतन्य की एकता रूपी वाक्यार्थ का परित्याग नहीं करके, जैसे वहां पे लाल रूप को नहीं छोड़ करके घोड़ा लिया, तो जो विरुद्ध अंश है इसका परित्याग नहीं करके तत्संबंधी यस्य कच्चित् अर्थस्य लक्षितत्वेपि, उसके संबंधी जो है जिस किसी अर्थ को लक्षित कर लो, अगर विरुद्ध अंश को नहीं छोड़े, नहीं छोड़कर जिस किसी भी अर्थ को लक्षित करोगे तो तद विरोध परिहारा संभवात, विरोध का परिहार संभव हो सकता है? भाई विरुद्ध अंश को आपने छोड़ा ही नहीं, विरोध का परिहार कर, परिहार नहीं हो सकता, विरोध का परिहार नहीं हो पाएगा, इसलिए अजहर लक्षणा न संभवत्येव, अजहर लक्षणा संभव ही नहीं है, इसलिए अजहर लक्षणा न संभव। तो टीका में देख लीजिए, टीका में अत्र तु तत्वमसी आदि वाक्य तत्वम पदार्थस्य, यहाँ जो तत्वमसी आदि वाक्य है यहाँ पे तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ, इनका जो है परोक्षत्वा परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य एकत्व लक्षण से मुख्या मुख्य वाक्यार्थ से, परोक्षत्व से विशिष्ट चैतन्य और अपरोक्षत्व से विशिष्ट चैतन्य आदि से, और भी ले लेना सर्वज्ञत्व सर्वज्ञ आदि पद दे दी, एक किंचित ज्ञत्व तो है, अल्पज्ञ है, एक सर्वज्ञ है, अल्पज्ञत्व तो विशिष्ट सर्वज्ञत्व तो विशिष्ट, इन सबसे विशिष्ट चैतन्य की एकता रूपी जो मुख्य वाक्यार्थ से विरुद्धत्वात्, विरुद्ध है मुख्य वाक्यार्थ विरुद्ध है, इसलिए परोक्षत्व अपरोक्षत्व अपरित्याग है, इसलिए परोक्षत्व अपरोक्षत्व का परित्याग नहीं करके तद विशिष्ट चैतन्य लक्षणार्थ से लक्षितत्वेपि, उसे विशिष्ट चैतन्य लक्षणार्थ लक्षित होने पर भी, चैतन्य स्वरूप अर्थ लक्षित होने पर भी तद विरोध परिहारा संभवा, जब तक विरुद्ध अंश को नहीं छोड़ेंगे विरोध का परिहार संभव नहीं है, इसलिए विरोध परिहारा भावात अजहर लक्षणा न संभवत इत्यर्थ, अजहर लक्षणा तो संभव ही नहीं। फिर कहेंगे ननु तत्पदम स्वार्थम विरुद्ध परोक्षत्वादि धर्मम परित्यज्य, पूर्व पक्षी आए बोला थोड़ा सा मैं कोशिश करके देख लूं, है ना, अब जब छोड़ना ही है तो छोड़ने से पहले थोड़ा सा कोशिश करके देख लिया जाए, अगर काम बन जाता है तो यही ठीक है। तो वही जैसे जैसे कोई एक मोबाइल थोड़ा सा खराब हो गया तो तुरंत नया ले लोगे क्या? उसको पहले जाके रिपेयर ही कराओगे, सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे एक कई बार एक महात्मा थे, बड़े शौकीन है, और तो यार बार बार जो हर साल बेच देते थे, बोले कोई कोई नया मोबाइल लिए, अब उनको इतना शौक है कि देखे अरे 5-6 महीने चलाते चला, अरे एक तो ठीक नहीं है, फिर इधर उधर से पैसा था नहीं, उधार मांग मांग करके कई वो बदलते रहते थे, बेचारे परेशान उसी को पैसा भरने में उनका बीत जाता। एक जैसे खरीद के 5-6 महीने चला लिए, इतने में उनका मन जो है बोले अरे ये तो बहुत हो गया, चलो दूसरा ले आते, उसको बेच किसी दूसरे को, या कोई ले लेता है, वो लड़के लोग ही ले लेते हैं जिनको जरूरत है सस्ते में, वो बेच करके दूसरे से कुछ उधार मांग के कुछ भंडारे में जमा करके काम चला ली। तैसा या नहीं, तैसे मतलब अगर काम चल जाता है तो दूसरे तीसरी वाली हम क्यों माने, दूसरी लक्षणा से ही काम चला लेंगे, इसलिए यहाँ थोड़ा कोशिश कर रहा है पूर्व पक्षी। न चेता ननु तत्पदम स्वार्थम विरुद्ध परोक्षत्वादि धर्मम परित्यज्य, तत्पद जो है स्वार्थ विरुद्ध, जो स्वार्थ क्या है विरुद्ध परोक्षत्वादि धर्म, भाई त्वम पद से विरुद्ध क्या है, परोक्षत्व इसमें है तत्पद के वाच्य में, उस विरुद्ध परोक्षत्वादि धर्म को छोड़ करके अविरुद्ध चैतन्यांश अपरित्यागेन, अविरुद्ध चैतन्यांश को नहीं छोड़ करके, और इसी प्रकार त्वम पदार्थ भी ले लो, त्वम पदार्थ क्या करेगा, किंचित ज्ञत्वादि विशिष्टम, अच्छा जीव चैतन्य, हाँ नहीं, एक जगह ही छोड़ने को कह रहा है,
तत्पद का जो स्वार्थ है विरुद्ध परोक्षत्वादि धर्म, उसको छोड़ करके अविरुद्ध चैतन्य अंश को नहीं छोड़ करके अपरित्याग के द्वारा विरुद्ध जो अपरोक्षत्वादि धर्मम। अच्छा यहां भी दे रहे हैं, यहां भी तो है तम पदम वा, अच्छा वा करके दे रहे हैं ना, आप अचैतन्य अंश अपरित्यागे न तम पदार्थम किंचित ज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यम लक्ष्य है तो। हाँ ठीक हो गया ना, वो क्या कहेंगे तत्पद जो है स्वार्थ जो विरुद्ध अंश है कौन परोक्षत्वादि, उस परोक्षत्वादि धर्म को छोड़ करके अविरुद्ध चैतन्य अंश को नहीं छोड़ करके तम पद का अर्थ जो अब अपरोक्षत्व किंचित ज्ञत्वादि विशिष्ट जीव चैतन्य को लक्षित कर दे कौन तत्पद, अथवा त्वम पदम वा, अथवा दूसरा ले लीजिए त्वम पदम वा सार स्वार्थम विरुद्ध परोक्षत्वादि धर्मम परित्यज, त्वम पद अथवा त्वम पद की तरफ से ले लो, त्वम पद का स्वार्थ है वो अपरोक्षत्वादि धर्म जो कि तत्पद से विरुद्ध है, तत्पद के वाच्य अर्थ से विरुद्ध है, तो त्वम पद क्या करे उस विरुद्ध अंश को छोड़ करके अविरुद्ध चैतन्यांश अपरित्यागेन अविरुद्ध चैतन्यांश को नहीं छोड़ करके तत्पदार्थम सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम ईश्वर चैतन्यम लक्षयतु, सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वर चैतन्य को लक्षित कर दे। किम भाग लक्षणा अंगीकारेण, भाग त्याग लक्षणा मानने क्या आवश्यकता है इत्याशंक्य निराकरोति, आज इसी आशंका का उत्थापन करके निराकरण कर रहे हैं कि यही ऐसा भी नहीं हो पाएगा, न च तत्पदम, बोल में देख ली न च तत्पदम त्वम पदम वा, तत्पद अथवा त्वम पद स्वार्थ विरुद्धांश परित्यागेन, स्वार्थ जो विरुद्धांश है उस विरुद्धांश को त्याग परित्याग करके अंशांतर सहितम त्वम पदार्थम, अंशांतर मतलब जो अविरुद्धांश है चैतन्य अंश उसके सहित जो त्वम पदार्थ को लक्षित कर दे तत्पद, इसी प्रकार त्वम पद क्या कर दे कि स्वार्थ विरुद्धांश को छोड़ करके अंशांतर के सहित तत्पदार्थ को लक्षित कर दे, यानी अविरुद्ध अंश को लेकर के अन्य अंश के सहित जो परोक्षत्वादि विशिष्ट तत्पदार्थ को लक्षित कर दे। इत्यतः कथम प्रकारांतरेण भाग लक्षणांगीकरण, तो कैसे जो है अन्य प्रकार से भाग त्याग लक्षणा को मान ले रहे हो, आजाद लक्षणा से ही काम चल जा रहा है, सिद्धांति ऐसे इति यहाँ तक आए पूर्व पक्षी सिद्धांतिकरण न च वाच्य, ऐसा भी मत कहो क्यों, हाँ क्योंकि एकेन पदेन स्वार्थांश पर पदार्थ अंतर उभय लक्षणाया असंभवात्, स्वार्थांश पदार्थांतर 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 उभय लक्षणाया असंभवात्, एक ही पद के द्वारा परित्यक्त स्वार्थांश की सूचना करना, यानी स्वार्थांश का परित्याग हुआ ऐसी सूचना करना और पदार्थार अन्य पदार्थ में लक्षणा की सूचना करना, ये दोनों संभव एक ही पद के द्वारा, मतलब विरुद्ध स्वार्थ अंश को छोड़ना, भाई वही बता रहा हूं ना, एक ही पद जैसे एक ही तत्पद है विरुद्ध ये परित्यक्त स्वार्थ अंश की सूचना करे, यानी इस स्वार्थ अंश जिसका परित्याग किया गया है उसकी सूचना कर दे एक ही पद, और अन्य पदार्थ की लक्षणा की भी सूचना करे, लक्षणा के द्वारा एक ही पद लक्षणा के द्वारा परित्यक्त स्वार्थ अंश की भी सूचना करे कि भाई इस अंश को छोड़ा जा रहा है, और अन्य पदार्थ की भी लक्षणा के द्वारा सूचना करे, यानी देखिए जैसे तत्पद है परित्यक्त स्वार्थ अंश मतलब विरुद्ध जो परोक्षत्व आदि अंश की भी लक्षणा से सूचना करे, और अन्य पदार्थ यानी वो जो जीव है ना अपरोक्षत्व आदि धर्म अपरोक्षत्व धर्म आदि विशिष्ट जीव की भी लक्षणा करे, एक ही पद के द्वारा परित्यक्त स्वार्थ अंश की भी लक्षणा से सूचना हो और अन्य पदार्थ की भी लक्षणा से सूचना हो, ये संभव नहीं है। एक ही पद से कैसे, आप तत्पद से विरुद्धांश का परित्याग की भी सूचना हो जाए लक्षणा से, और अपरोक्षत्व आदि विशिष्ट जो जीव चैतन्य उसकी भी सूचना हो जाए एक ही पद से तत्पद से, ये दोनों संभव नहीं है। इसी प्रकार त्वम पद से भी ले लेना, त्वम पद एक ही पद त्वम पद से
परित्यक्त जो स्वार्थ अंश की सूचना हो और लक्षणा से विरुद्ध अंश की, इसका अन्य पदार्थ की भी सूचना हो, ईश्वर चैतन्य की भी सूचना हो, ये दोनों संभव नहीं। देखो वही बता दे, एकेन पदेन स्वार्थांश, स्वार्थांश मतलब परित्यक्त तो स्वार्थांश, जिसको छोड़ना है, विरुद्ध अंश को छोड़ना है ना, और पदार्थांतर भिन्न पदार्थ लेना है, इन दोनों की लक्षणा असंभवात। और पदांतरेण तदर्थ प्रतीतो, हाँ दूसरी बात क्या है, जब दूसरे पद से उसी अर्थ की प्रतीति हो रही है तो लक्षणा के द्वारा उस पदार्थ की प्रतीति की अपेक्षा है। आप कहोगे तत्पद जीव का बोध करे, जीववाचक पद तो अलग से है ना, इसलिए उसकी तो अपेक्षा ही नहीं है, इसलिए लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं वहां पे उसको, इसलिए पदांतरेण तदर्थ प्रतीतो लक्षणया पुनः तत्प्रतीत्यपेक्षा भावाच्य। अन्य पद से जब जीव चैतन्य अर्थ की प्रतीति हो गई तो लक्षणा के द्वारा पुनः उसकी प्रतीति की अपेक्षा नहीं है। टीका में देख लीजिए, एकेन पदेन त्वं पदेन वा तत्पदेन त्वं पदेन वा स्वार्थांश अपरित्यागेन, हाँ स्वार्थांश अपरित्यागेन स्वार्थांश पदार्थांतर उभय लक्षणाया असंभवात। ऐसा, अच्छा यहाँ ऐसा दे दी, एक ही पद चाहे त्वम पद हो चाहे तत्पद हो, स्वार्थांश का अपरित्याग करके स्वार्थांश और पदार्थांतर उभय की लक्षणा ये संभव नहीं है। अजात लक्षणा संभव हेतुअंतरम आह, अजात लक्षणा असंभव है, इसमें अन्य हेतु दिखा दिए कि पदांतर अन्य पदार्थ अन्य पद से जब उस अर्थ की प्रतीति हो रही है तो उस अर्थ की प्रतीति भिन्न पद से मानने की आवश्यकता है, यानी जीव अर्थ की प्रतीति त्वम पद से ही जब हो गई तो तत्पद से जबरदस्ती वहां घसीट के लाओ तो इतना ये ठीक नहीं है ना, ये आवश्यक नहीं है। तत्पदेन त्वम पदेन वा तत्तद अर्थ प्रतीतौ सत्याम लक्षणया पुनरन्यतर से अन्यतर प्रतीत्य की अपेक्षा भावत, पुनः अन्यतर को अन्यतर की प्रतीति की अपेक्षा लक्षणा के द्वारा ये नहीं है। आगे हम लोग कल करेंगे। तो अर्थी एक ही बच्चे, दो का तो निराकरण कर दी, जहर लक्षणा का भी निराश हो गया, अजहर लक्षणा का भी निराश हो गया, अब भाग त्याग लक्षणा वो घटती है उसको दिखा देंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम।